जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला है। तो अभी जो हम लोग ऑटोकैड के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे हैं, जहाँ पे लीड एसिड बैटरी, लिथियम बैटरी और काफी सारे बैटरी यहाँ पे बनते हैं, वो भी काफी बड़े लेवल पे। तो आज की इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बैटरी बनने का क्या क्या प्रोसीजर होता है पूरा इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो फटाफट वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है फैक्ट्री के जनरल मैनेजर श्रीनिवास राव। नमस्ते सर, स्वागत है आपसे मिलकर, खुशी हूँ। थैंक यू सर। तो सर यहाँ पे आपकी जो फैक्ट्री है इसको चालू हुए कितना साल हुआ, ऑटोबैट कब से काम कर रही है बैटरी के फील्ड में? ऑटोबैट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1996 बाय आवर विजनरी लीडर एंड हॉनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हनुमंत वासव रेड्डी with the association of the Mr. Ashok Reddy and Mr. Daji. Autobat is into battery business since last 25 years. Okay. Now we are the market leaders for the tubular, automotive and e-rickshaw batteries. Recently we have started the assembling of the lithium-ion batteries also. ओके तो ये जो फैक्ट्री है पूरी लीड एसिड बैटरी का ही है कि इसमें लिथियम भी है? नो, दिस प्लांट इज ओनली, वी आर हैविंग हियर टू प्लांट्स, वन इज द लेड स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग यूनिट, सेकंड वन इज द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ओके, मतलब लिथियम बाहर होता है यहाँ पे नहीं? लिथियम इन आवर कॉर्पोरेट ऑफिस, वी आर हैविंग अनदर फैसिलिटी। ओके, मतलब वो लिथियम जो बैटरी है वो आप कॉर्पोरेट ऑफिस में बनता है? yes. आपका लेड स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्लांट मिस्टर चित्रंजन महाराणा, ही इज लुकिंग आफ्टर दिस प्रोसेस। तो आगे ये प्लांट कैसे चालू करेंगे आज सर? हेलो। तो ये जो आप देख रहे हैं वो है हमारा लेड प्लांट। अब लेड एसिड बैटरी में जितना अच्छा लेड रहेगा उतना ही अच्छा बैटरी का परफॉर्मेंस और उसका बैकअप मिलेगा। तो यहाँ हम लोग दो टाइप के लेड बनाते हैं, एक है प्योर लेड और दूसरा है लो एंटीमोनी सिलिनियम वाला। तो हम लोग मार्केट से स्क्रैप बैटरीज लेते हैं, रोटरी में चलाते हैं, रोटरी में चलाने के बाद में जो उसका इम्प्योरिटीज होता है वो हटा के जो सॉफ्ट मटेरियल निकलता है वो हम लोग पॉट में डालते हैं। पॉट में डालने के बाद में हम लोग ऊपर से केमिकल्स ऐड करते हैं, उससे हम लोग सिलेनियम और प्योर लेड बनाते हैं। तो हम लोग उसका सैंपल्स पहले चेक करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर पर, और उसके जब हर एलिमेंट सही रहेंगे तो ही वो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए भेजे जाते हैं। This is our battery manufacturing plant. We are having a world best battery manufacturing equipment. He is Mr. N. Sunil Kumar. Hereafter, how we will make the batteries, he will explain. हमारा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू होता है ग्रिड कास्टिंग से। यहाँ पे तीन काइंड ऑफ मशीनरीज है, ग्रेविटी कास्टिंग मशीन, फीड लाइन सिस्टम और प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ग्रिड बनाता है, वो लो एंटीमोनी सिलिनियम वाला यूज़ करके बनाता है, वो आगे जाके प्लेट हो जाता है बैटरी के लिए। आप जो देख रहे इसमें पॉजिटिव प्लेट बनाता है ट्यूबुलर बैटरी के लिए। ये जीवो का मिशन है ना, वर्ल्ड क्लास मिशन फॉर बैटरी प्लेट के लिए। ये ग्रिड इससे निकाल के कटिंग एंड स्लीविंग करके अगले प्रोसेस को भेजता है पॉजिटिव प्लेट बनाने के लिए। आप देख रहे हैं प्लेट कटिंग। ये इसके बाद स्लीविंग होता है, स्लीविंग होने के बाद ऐसे स्टोर करके और एक्टिव मटेरियल फिलिंग के लिए भेजता है। ऐसे प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन हमारे पास थीन है, इसमें अलग अलग पॉजिटिव प्लेट बनाता है अलग अलग बैटरी के लिए। बाकी कास्टिंग मशीन्स में फ्लैट ग्रिड बनाता है, ग्रेविटी और फीड लाइन सिस्टम का है, इसमें ट्यूबुलर नेगेटिव और ऑटोमेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रिड बनाता है। ग्रिड कास्टिंग प्रोसेस होने के बाद हमारा अगली प्रोसेस होता है ऑक्साइड मिलिंग का। अच्छा, ये जो दो दिख रहे हैं ये ऑक्साइड मिल है? हाँ। इस प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं 99.98% प्योर लेड ऑक्साइड बनाने के लिए। वो प्योर लेड लेड पार्ट में डाल के मेल्ट करके क्यूब कैस्टिंग बनाता है। आप देख रहे हैं क्यूब कैस्टिंग कैसे बना रहे हैं। वो क्यूब्स अनलोड होके बकेट कन्वेयर से बाल मिल को इनपुट हो जाता है। आप देख सकते हैं कैसे इनपुट हो रहा है, वो बाल मिलिंग का प्रोसेस का वजह से ऑक्साइड बन जाता है, वो लेस देन 10 माइक्रॉन्स रहता है। वो ऑक्साइड अगली प्रोसेस का इनपुट हो जाता है पेस्टिंग के लिए और पाउडर फिलिंग के लिए। यहाँ ऑक्साइड मिल का ऑक्साइड लेके डीएम वाटर एसिड केमिकल्स मिक्स करके पेस्ट बनाता है। आप देख सकते हैं वो पेस्ट बनाने के बाद ग्रिड कास्टिंग का आउटपुट ग्रिड लेके पेस्टिंग मशीन को फीड करता है, वो पेस्ट इसको अप्लाई करके प्लेट बनाता है। यहाँ
ऑटोमेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ट्यूबुलर नेगेटिव प्लेट बनाता है। इस मिशन की स्पेशलिटी है डबल साइड पेस्टिंग है, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है इसका। पेस्टिंग होने के बाद थ्रू फ्लैश ड्रायर प्लेट निकल जाता है, वो प्लेट को रैकिंग करके क्यूरिंग एंड ड्राइंग चैम्बर में भेज देता है। यहाँ गिल्ला प्लेट को स्ट्रीम ह्यूमिडिटी अप्लाई करके क्यूरिंग करता है और टेम्परेचर अप्लाई करके ड्राई करता है, जिससे पेस्ट का ग्रिड का बॉन्डिंग मजबूत हो जाता है और बैटरी का लाइफ बढ़ जाती है। अभी तक आप देखा है नेगेटिव प्लेट कैसे बनाता है, आप बात करते हैं पॉजिटिव प्लेट के बारे में। यहाँ पॉजिटिव प्लेट में एक्टिव मटेरियल कैसे भरता है, ये एक्टिव मटेरियल में 1:3 रेशियो में रेड ऑक्साइड और ग्रे ऑक्साइड रहता है, वो दोनों मिक्स करके एक्टिव मटेरियल भरता है ट्यूब्स में। वो होने के बाद बॉटम बार लगाता है। इसका अगले प्रोसेस है पिकलिंग। यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट में ग्रे ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड दोनों मिला के लेड सल्फेट बन जाता है। इसके बाद इसको टेम्परेचर अप्लाई करके ड्राई करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट बनाने के बाद वो प्लेट पार्टिंग एंड क्लीनिंग सेक्शन में जाता है। यहाँ एक्सेस प्लेट क्लीन हो जाता है और पैनल कट होके प्लेट बनाता है। इसके बाद नेगेटिव प्लेट जाता है एनवलपिंग के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं एनवलपिंग प्रोसेस। यहाँ पी सेपरेटर और एजीएम रोल यूज करता है एनवलपिंग के लिए। प्लेट तैयार होने के बाद हमारा अगली प्रोसेस असेंबली चालू हो जाता है। इसमें पहली प्रोसेस ग्रुप बर्निंग का है। इसमें पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट बैटरी कॉम्बिनेशन का हिसाब से फिक्सर में रख के बर्निंग करके ज्वाइन करता है। यहाँ पे पॉजिटिव ग्रुप नेगेटिव ग्रुप दोनों मिला के एक 2 वोल्ट का बैटरी ग्रुप बनाता है। ऐसे 6 ग्रुप रहते हैं एक बैटरी में। 2 वोल्ट का 6 ग्रुप कंटेनर में डाल के सीरीज कनेक्शन देने के लिए ICW प्रोसेस करता है, हाई करंट अप्लाई करके 12 वोल्ट मिलने के लिए बैटरी में। ICW का अगले प्रोसेस हीट सीलिंग का है। बैटरी के ऊपर टॉप कवर लगा के कवर कंटेनर मेल्ट करके सीलिंग करता है। हीट सीलिंग के बाद पोस्ट बर्निंग प्रोसेस है, जिससे हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल तैयार करते हैं बैटरी का आउटपुट लेने के लिए। पोस्ट बर्निंग का अगली प्रोसेस लीक टेस्टिंग है। इसमें हम हाई प्रेशर एयर देके बैटरी लीकेज को चेक करते हैं एंड 100% विजुअल इंस्पेक्शन भी हो जाता है। यहाँ पे हमारा ड्राई बैटरी तैयार हो गया। असेंबली प्रोसेस हो जाने के बाद हमारा अगली प्रोसेस फॉर्मेशन है। यहाँ ड्राई बैटरी लेके एसिड भरता है। एसिड भरने के बाद इसको चोकिंग पीरियड 2 घंटा लगा के और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देता है चार्जिंग प्रोसेस के लिए। ये जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट क्लास चार्जिंग सिस्टम लगाया हुआ है बैटरी फॉर्मेशन के लिए। टब सारा PPE का है। इसमें वाटर कूलिंग सिस्टम भी इंक्लूडेड है। ये जो आप देख रहे हैं चार्जर्स फॉर बैटरी चार्जिंग के लिए वर्ल्ड बेस्ट क्लास चार्जर्स फॉर लेड एसिड बैटरी फॉर्मेशन, ये सारा चार्जर्स ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड थ्रू सेंट्रल कंप्यूटर। हमारा फैक्ट्री में केमिकल फिजिकल इलेक्ट्रिकल लैब फैसिलिटी भी है, जिससे हम पूरा इनपुट मटेरियल और बैटरीज टेस्टिंग हो जाते हैं। ये हमारा आखिरी प्रोसेस है। यहाँ पे सारा फार्म्ड बैटरीज आके HRD CCA टेस्ट होने के बाद पैकिंग एक्टिविटीज चालू होता है। आप देख सकते हैं पूरा पैकिंग लाइन कैसे चल रहे हैं। ये सारा ऑटोबैट का प्रोडक्ट वेराइटीज है, टूबुलर ऑटोमोटिव और ई रिक्शा का है। यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बैटरी डिस्पैच होने के लिए चली जाती है।
तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खत्म हो रहा है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि एक लीड एसिड स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बनने के क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने प्रोसेस से जाता है एक लीड एसिड बैटरी बनने के लिए। तो अभी जो हमारे सामने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हनुमंत रेड्डी सर हमारे साथ में बैठे हुए हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी। तो सर आपको अभी कितने साल हुए बैटरी बनाते बनाते या फिर बैटरी के फील्ड में आपको? मैं करीबन अभी 31 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। और हमारे ऑटोबैट कंपनी को 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग इस साल सिल्वर जुबली बना रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप मार्केट में आपके कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं? अभी हम लोग मेनली बैटरीज में काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग ऑटोमोटिव बैटरीज, ट्यूबुलर बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, मोटरसाइकिल बैटरीज, सोलर बैटरीज, हम लोग अभी ये सब बैटरीज बनाते हैं। तो सर अभी मैंने यहाँ पे आपके प्रोडक्ट जो देखे, बैटरी जो आप बना रहे हो, तो आपकी बैटरी और जो मार्केट में काफी सारी बैटरी अवेलेबल है, तो आपकी बैटरी में और बाहर जो बैटरी मिलती है उसमें आपकी बैटरी में यूनिक क्या है? यूनिकनेस मीन्स हम खुद हमारा लेड बनाते हैं, उसमें सिल्वर और सिलिनियम अलॉय हम यूज करते हैं, उससे जिससे बैटरी मेंटेनेंस फ्री बैटरी बन जाती है। अच्छा। और उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, कस्टमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम होता है उससे। बैटरी बनाने के लिए मशीनरी जो यूज कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट मशीनरी यूज कर रहे हैं, उससे क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है हमारा। Okay. और उसे उसका पूरा प्रोडक्ट ही एक क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे अभी आपका कोई फ्यूचर प्रोडक्ट या कोई फ्यूचर प्लान है क्या अभी फिलहाल बैटरी के अलावा या कोई दूसरे फील्ड में? फ्यूचर प्लान तो है, डेफिनेटली है, हमको कंपनी को आगे बढ़ना है। उसके लिए हम लोग SMA बैटरीज एंड ट्रैक्शन बैटरीज ये साल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग नया सेक्टर में भी एंटर कर रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अभी जल्दी ही लेके आएंगे और उसके साथ में एग्जिस्टिंग गाड़ी को, टू व्हीलर को, एक ऐसा किट लेके आएंगे जो उसको रेट्रोफिट बोलते हैं और वो एग्जिस्टिंग गाड़ी को बिठा के कन्वर्जन किट हम लोग हाइब्रिड गाड़ी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। Okay. तो सर अगर किसी को प्रोडक्ट बाय करना है तो कैसे बाय कर सकता है आपके, क्या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पे कैसे हैं? हम लोग 6 स्टेट में काम कर रहे हैं और बाकी स्टेट में जिसको काम करना है, तो हम लोग अभी वर्ल्ड का सबसे अच्छा मशीनरीज लेके हम लोग, हमने एक प्लान डाला है, उसमें एक्सेसिव कैपेसिटी है हमारे पास और वो कैपेसिटी का हम लोग यूटिलाइज करने के लिए नए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को हम जोड़ना चाहते हैं इंटरनेशनली और रेस्ट ऑफ इंडिया हम लोग काम करना चाहते हैं। हमारे इधर 50 स्टाफ एंड 200 वर्कर, अभी 250 का स्ट्रेंथ हमारे पास आज है। एग्जिस्टिंग हमारे 100+ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 2000+ डीलर्स काम कर रहे हैं। तो सर ऑटोबैट कंपनी का विजन क्या है? एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छा रेट में कम कीमत में कस्टमर को मिले और सेल सर्विस उसका ऑल ओवर इंडिया रहे और कंपनी का ग्रोथ हो, यह हमारा विजन है। ओके, तो और अगर किसी को डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो या फिर कुछ आपकी कंपनी के बारे में पूछना हो तो कैसे कर सकता है? आपके कुछ है क्या कॉन्टेक्ट या फिर वेबसाइट? हाँ, हमारा वेबसाइट खुद का है और हमने डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर देंगे हम लोग, जिसको बैटरी चाहिए या हमको हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, हम उनको सर्विस देने के लिए तैयार हैं। गाइस यहाँ पे हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो रहा है, तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। जैसे कि सर ने बताया कि वो लिथियम बैटरी भी बनाते हैं, लिथियम फेरस फॉस्फेट, अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करना, तो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी मैं आपको बता के दिखाऊंगा कि यहाँ पे बैटरी किस तरीके से बनती है। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।